कुछ लोग हैं तो इन्हीं से पूछा जाए। हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर और यहाँ तक ये मुझे ले आई है, जबकि रास्ता बहुत ही खतरनाक रास्ता था। सारी बाधाओं को पार करते हुए आगे रास्ते में जो पानी दिख रहा है, ये थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है पानी। हाँ, ये कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पर। ये इनसे भी पूछते हैं, ये बताएंगे। यहाँ आसपास कोई गांव है? हाँ। कौन सा गांव? टीकरी है, नेसर। टीकरी कितनी दूर है? अच्छा, तो आप टीकरी के रहने वाले हैं? माता है। हाँ। और इधर से भी रास्ता है कोई जाने का? इधर से रास्ता है जाने का? फिर तो बेने करेंगे, बड़ा भाई की रहूंगी। तो वहाँ भाई गाड़ी नहीं जाएगी, तालाब नहीं निकल पाएंगे? तालाब। ये जंगल कितना एरिया है? थोड़ी है, थोड़ा ही है। हाँ, ये आगे रास्ता बता रहे हैं। और देख लियो, वहाँ तक ये गाड़ी तो हमने यहाँ पार्क कर दी, क्योंकि ये भरा हुआ है तालाब में पानी और इस पानी से गाड़ी हमारी निकल नहीं पाएगी, तो गाड़ी हमने उस तरफ पार्क कर दी है। यहाँ बहुत गहरा गड्ढा होगा अभी, गड्ढा ना पानी ज्यादा होगा ना, पानी ज्यादा गाड़ी में पानी लोग आज। ये मोटरसाइकिल खड़ी है? हाँ। अच्छा, ये आ गए हम लोग ईश्वर खो। बहुत रमणीय स्थान है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये पेड़ काय का है? किसका? अच्छा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ईश्वर खो है, ईश्वर खो है, ईश्वर खो यानी ईश्वर ने जो जगह ढूंढी हो। हाँ, ढूंढी है तो वो। हाँ, ईश्वर खो का मतलब होगा ईश्वर ने जो जगह ढूंढी है।
महादेव है। हाँ तो जो ईश्वर ने जिस जगह की खोज की है वो तो वैसे भी बहुत सुंदर होगी। और सही क्या बात, ओहो ऐसे नजारा लग रहा है जैसे जय हो प्रभु की, कितना सुंदर। वाह वाह, ये देखो ये नीचे रास्ते कितना सुंदर लग रहा है। अरे वाह ये तो बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ये है ईश्वर खोह। यहाँ हम लोग हाथ कर चलेंगे उसके बाद दर्शन करेंगे। अच्छा इधर से देखना, अपने आप पानी निकल रहा है। इधर इधर का ही है, ये पानी जहाँ भी हमने हाथ धोले हैं ये पानी चल रहा है। ये पानी अपने आप यहाँ इसमें से निकलता है, ना कोई ट्यूबवेल है ना कुछ है, अपने आप पानी निकलता है पूरा। ये पानी यहाँ चल रहा है देखो, ये भगवान शिव की मूर्ति है। ये देखो हाँ ये भगवान शिव की प्रतिमा, और ये पत्थर के नीचे है, ये पूरा पत्थर है। इधर थोड़ा सा लाइट दिखाओगी, पत्थर नहीं इसको पहाड़ कहेंगे, पर्वत, पर्वत के नीचे ये भगवान की खो यानी गुफा, ईश्वर की गुफा है ये। ये पानी इसमें कहाँ चल रहा है, ये पानी की आवाज जो सुनाई दे रही होगी। ये पानी की आवाज तो आ रही है लेकिन कहाँ से आ रही ये नहीं समझ में आ रहा है। हम्म
ये यहाँ से पानी चढ़ाएंगे, रुकना। ये पहाड़ के नीचे से परिक्रमा लगाते हुए संभाल के पहाड़ के नीचे है ना ये। छोटा हो जाएगा बस। हो गया। जय भोलेनाथ की। पत्थर की शिला है तो पर्वत है, पर्वत के नीचे भगवान का आश्रम है, इसीलिए शिव खो बोला जाता है। अंदर से पानी आ रहा है, ये भी पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है ना। देखो भैया 24 घंटे पानी ऐसे चलता है। इधर ये पानी लाइट जलाएंगे थोड़ा। ये हर इधर देखेंगे, ये पानी आ रहा है पत्थर के नीचे से पानी आ रहा है। बहुत अंदर से और ये पानी 24 घंटे ऐसे ही चलता रहता है। और साफ पानी है, पीते हैं लोग, इसी को पीते हैं, इसी से कुल्ला करते हैं। ये अंदर से कहाँ से पानी आ रहा है? सरजू नदी बोलते हैं इसको। अच्छा, यहाँ भक्त लोग इसको शरीरों को अमृत सरोवर इस विभिन्न नामों से जानते हैं। बारिश में बहुत अच्छी अच्छी पानी है। बारिश में ठीक है। सुनते लिए कहते जेको बेट आवते कि कन्या पर गांव हुआ स्थान सेतुन रामेश्वरम के लिए रामेश्वर के बेट जेको आवे उसके पहले है। एक ही चीज है, जैसे सरयाम में ही रात में शंकर जी रहते, तकलीफ ज्यादा हमारे बच्चा कभी वैश भी हम आए। अच्छा अच्छा। एक बार हम आए यहाँ बैठे थे वहाँ महसूस जा जगह पे रात्रि के 9 बजे पे, यहाँ से ऐसे में सीधा सतु तोड़ मंगलाओ दाढ़ी वास कूदो हम धरते गए सोहन पिंडी की जेट बन गई और आँख नहीं चलने दो रात्रि के 9 बजे। भाई पी रही बंद है गई, हम बढ़िया सोए सवेरे जगह पुजारी ने बताई मैंने एक आव तो है कोई भूत कहीं नहीं कहीं वो पुजारी हुए हैं कहीं सिद्ध है। दूसरे दिन हम तैयार है बैठ गए ऐसे अगरबत्ती ले गए ना फिर हमने वह चमके बस फिर हमारी बाधना से हमें कोई तकलीफ नहीं। उस दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं? अच्छा, हमारी परे नवा कितना सुंदर लग रहा है। हार सिंगार बहुत ही सुंदर। पानी इसको पकड़ना जरा प्रसाद लेने बना दिया। हाँ ठीक, प्रसाद लेते हुए महाराज जी से
प्रसाद ग्रहण कर लिया। क्लिक कर दो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय स्थान, मन प्रसन्न हो गया यहाँ आकर के। अब हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को कराएंगे शीतला माता के दर्शन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।